हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम और पेंड्रम प्लस दोनों ही क्रीम का रिव्यू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू देखना पसंद है और ऐसी जानकारियाँ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उससे क्या होगा कि मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आती रहा करूँगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम की। पेंड्रम प्लस प्लस एक ऐसी क्रीम है जो कि यंगस्टर में बहुत फेमस है और बहुत लोगों के द्वारा ये यूज़ की जा रही है उनकी स्किन को लाइटनिंग करने के लिए, उनकी स्किन में एक ग्लो लाने के लिए। और जो कि ये पेंड्रम प्लस प्लस जो क्रीम है ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। तो इससे उन लोगों को उनका मन चाहा, उनके कलर स्किन टोन कम होती है, उनको उनके कलर में निखार आता है और उन एक ग्लोइंग उनको स्किन मिलती है और इसलिए वो अपने फ्रेंड फैमिली में भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको पेंड्रम प्लस प्लस की पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि लोग इस क्रीम को धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बिना। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपको क्रीम यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं पेंड्रम प्लस क्रीम की। पेंड्रम प्लस क्रीम अब गवर्नमेंट के द्वारा बैन हो चुकी है क्योंकि उसके काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने उस क्रीम को बैन कर दिया गया है, के द्वारा बैन कर दिया गया है। अब मार्केट में जो न्यू प्रेजेंट जो क्रीम है वो पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम है, जो कि बेसिकली किसी स्किन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज़ की जाती है। बट हम यंगस्टर जो मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा है, वहाँ पे लोग डिमांड करते हैं, इसके बारे में रिव्यू मांगते हैं, तो लोग इस क्रीम पेंड्रम प्लस प्लस को बेसिकली गोरा होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली अपने कलर को और बेहतर बनाने के लिए, अपने स्किन में ग्लोइंग टोन लाने के लिए वो लोग इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल जो ये क्रीम जो एट प्रेजेंट आज के दिन में जो उसका रेट है, 15 ग्राम की ये क्रीम 97 रुपीज की या 99 रुपीज की मिल जाती है और आपको ये ओवर द काउंटर किसी मेडिकल स्टोर में भी आपको इजीली मिल जाएगी। और आप अगर इसे ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन में अगर आप जो भी साइट्स हैं जो मेडिकेटेड क्रीम जो बेचती हैं उस साइट से अगर लेंगे तो वहाँ पे वो आपको इस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के लिए ज़रूर बोलेंगे। बाकी अगर आप स्टोर से लें, अपनी मार्केट के कहीं पे भी जाके स्टोर से, तो आपको ईजिली ये क्रीम मिल जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ क्या ये आपको ये क्रीम यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और बेसिकली अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। बेसिकली इसमें 3 इंग्रेडिएंट सॉल्ट हैं, क्लोबिटासॉल, न्योमसेन एंड माइक्नोजोल। बेसिकली ये 3 सॉल्ट से ये क्रीम बनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोबिटासॉल की। क्लोबिटासॉल एक ये ऐसा सॉल्ट है जो कि स्किन कंडीशन, जैसे कि अगर आपके स्किन में एक्जिमा, सोरायसिस, दाग, खुजली, स्किन में रेडनेस है, तो बॉडी जो हमारी इन चीज़ों से जो जिसके थ्रू ये होता है तो बॉडी उस केमिकल को रिलीज करने से रोकती है, जिससे कि हमारी स्किन में दाग, खाद, खुजली, स्किन इरिटेशन होती है। तो क्लोबिटासॉल बेसिकली हमारे स्किन, हमारे जो बॉडी से एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसके द्वारा ये दाद, खाद, खुजली, सोरायसिस, एक्जिमा होती है उस केमिकल को बढ़ने से रोकता है। सेकंड हम बात कर लेते हैं न्योमेसेन की। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बेसिकली स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में बेहद ही सफलदार होता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं माइक्रोजोल की, जो बेसिकली एक एंटी फंगल है जो स्किन की फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि दाद, खाद, खुजली, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, आपके स्किन में हो रही है तो ये उसको दूर करता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट से हमें इतना तो पता चल गया है कि ये जो क्रीम है ये किसी स्किन को गोरा या स्किन के कलर को फेयर करने के लिए, लाइट करने के लिए, आपके स्किन को पिगमेंटेशन की उसकी दूर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है। ये बेसिकली एक खास तरह की, जब आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है लाइक आपके रेडनेस, दाद, खाद, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, ऐसे अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम होती है तो ये क्रीम बेसिकली उस
प्रॉब्लम को, उस डिसीज को, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज की जाती है। और इस क्रीम के जो इसका कार्ड बॉक्स है उसमें बेसिकली लिखा जाता है कि इसको अंडर डॉक्टर के प्रिजर्वेशन के ही, अंडर डॉक्टर के ही निगरानी में आपको यूज करना चाहिए। और अगर आप इस क्रीम को विदाउट डॉक्टर की अगर यूज करते हैं तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आप बेसिकली इस क्रीम को यूज तो करेंगे और आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे, आपको आपकी स्किन खिली निखरी दिखेगी, लेकिन विद टाइम जब आप यूज करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्योंकि जो इसमें स्टेरॉइड है वो हमारे स्किन को धीरे धीरे डैमेज करता है और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है हमारे स्किन की कि उसको हमें ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगी, आप कोई भी ऐसी क्रीम से किसी भी यूट्यूबर के बोलने से कि वो गोरा होने के लिए यूज हो रही है, उससे स्किन लाइट हो जाएगी, बिल्कुल अंधविश्वास करके आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करें, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ें। अगर फिर भी आपको वो क्रीम यूज करनी है तो एक बार आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन आज है वो उससे ज्यादा खराब होने से बच जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे क्रीम यूज करते रहेंगे इन फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपके स्किन को डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा मोटिव आप लोगों को डराना नहीं, मेरा मोटिव ये है कि आप जो चीजें यूज कर रहे हैं बेसिकली क्या वो आप ठीक यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्किन कंडीशन ये बिल्कुल ही आप आंख बंद करके इन क्रीमों को ना यूज करें। हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपके स्किन में, सराइसिस, एक्जिमा, रेडनेस कुछ हो जाती है, तो वो भी डॉक्टर के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में वो आपको बताता है, आपको तभी यूज करनी चाहिए। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारी से भरपूर लगा है मेरा ये वीडियो और आपको और मेरे ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।